अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जी हाँ, गुआशा। आज मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी, गुआशा के ये आप किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और मैंने ये इंस्टाग्राम के किस पेज से बाय किया था। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। ओके जी, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये मैंने कहाँ से बाय किया था। ये मैंने इंस्टाग्राम का एक पेज है वॉसोनिक के नाम से, वॉसोनिक.pk। इसी पेज से पहले भी मैं एक फेशियल मसाजर बाय कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने ये थ्री मंथ पहले ये मैंने गुआशा जो है ना इस पेज से बाय किया था। ठीक है, ये इसकी पैकिंग है। मैं यूज़ करने के बाद इसी में इसको जो है ना वॉश करके रख देती हूँ। ठीक है, और अंदर से ये है इस तरह से, अंदर से इसकी पैकिंग इस तरह से है। ठीक है, बड़ी क्यूट सी पैकिंग है। मैं इसको फिर इसी में सेव कर देती हूँ ताकि ये टूटे ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। ओके, ये फेस मसाज एक स्टोन है। ठीक है, आप इसके साथ अपना फेस मसाज कर सकते हैं। अगर आपको फाइन लाइन्स हैं, आपको रिंकल्स हैं, आपको डार्क सर्कल्स हैं, आपको आपकी डबल चिन है, ये बहुत से पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपकी नेक लाइंस है, आपकी जॉ लाइंस, उसको इनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जॉ लाइन को, डबल चिन को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके डार्क सर्कल्स है, आपके आपको मसल्स पेन है, तो ये आपके मसल्स में से पेन को रिलीव करते हैं। आपके जो स्किन के मसल्स होते हैं ना, टिश्यूज़ होते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं। बहुत से लोग होते हैं, हम लोग फेशियल भी करवाते हैं, लेकिन फेशियल हमारी स्किन पे, जो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है ना, सिर्फ उसको रिमूव करता है। हमारे पोर्स को जो है ना एक्सेस ऑयल रिमूव करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हमारे मसल्स में से पेन को रिलीव करता है, हमारे मसल्स को टाइट करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है। अगर हमें डार्क सर्कल्स होते हैं तो हमारे डार्क सर्कल्स के लिए ये बेस्ट है। मैं अभी आप लोगों के साथ इसका जो है ना आप लोगों के सामने इसका मसाज करूँगी। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि आप इसको कितने दिन बाद या कितने रोज़ या कितने आप इसको डेली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसको डेली बेस पे यूज़ करें। अगर आपके पास डेली टाइम नहीं होता तक तो तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसका यूज़ ज़रूर करें, लेकिन मैं जो हूँ ना इसको डेली यूज़ करती हूँ ताकि मुझे इसका बेस्ट रिज़ल्ट मिले। आपने अपने फेस को किसी ऑयल या सीरम के साथ मॉइस्चराइज करना है, लेकिन अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो भी ऑयल या सीरम, ऑयल तो होता ही ऑयली है, लेकिन आप जो सीरम भी यूज़ कर रहे हो वो थोड़ा बहुत ऑयली हो। यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ करूँगी, ये ऑयल है होहोबा ऑयल। ठीक है, आप चाहे तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप सीरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लूँगी, बहुत है, ज़्यादा नहीं लेना। ओके, इसको मैं अपने हाथों पे रब करके गरम कर लूँगी। मैंने ऑयल मसाज किया है, ठीक है, अपने फेस पे लगाया। अब मैं इसका इसको पहले तो आपने सबसे पहले अपनी चिन से स्टार्ट करना है। ओके, यहाँ मैंने फिंगर रखी और इसको थोड़ा सा मैं फ्लैट करूँगी। इसको सीधा नहीं रखना, इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लैट रखना है।
वन, ठीक है, टू, यहाँ पे लाके आपने हल्का सा प्रेशर देना है, ये जो हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। थ्री, ओके, आपने इसको थ्री टाइम यानी कि तीन बार या फिर 3 से 10 बार आपने एक साइड पे इसका मसाज करना है। ये मैंने 3 टाइम किया है, ठीक है। और प्रेशर इसका बिल्कुल भी आपने ज़्यादा नहीं रखना, प्रेशर इसका आपने मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ऐसे प्रेशर नहीं देना, प्रेशर इसका आपने मीडियम रखना है। ओके जी, अब मैं चीक्स पे अप्लाई करूँगी, इसका मसाज करूँगी। चीक्स पे आपने ये वाला पार्ट यूज़ करना है, फ्लैट रखना है। वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। अच्छा, मैं हाफ फेस आपके सामने करूंगी और हाफ पे फेस आपको दिखाऊंगी कि क्या डिफरेंस है। कि अब मैं चीक बोन्स करूंगी, चीक बोन्स पे मैं ये वाला पार्ट यूज करूंगी। वन, टू, प्रेशर बिल्कुल आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं करना। और इसका रिजल्ट आपको फौरी मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको मसाज करोगे ना, तो आपके स्किन पे ग्लो खुद ब खुद महसूस होगा। थ्री, फोर, ओके। ओके, अब आईज पे अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो आपने ये वाला पार्ट यूज करना है। यहाँ मैंने फिंगर रखी। वन, टू, थ्री, फोर, आपने फिर वही कहूंगी, आपने प्रेशर मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, ठीक है। ओके, अब मैं यूज करूंगी इसको आईब्रो पे। आईब्रो पे आपने ये वाला पार्ट रखना है, ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर। वैसे मैं इसको एक एक पार्ट पे 10 टाइम यूज़ करती हूँ। अभी मैं इसको 4 टाइम इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फोर, ठीक है। ओके, अब फोरहेड पे। वन, टू, थ्री, ठीक है, सेंटर में। वन, टू, थ्री, फोर, ओके। अच्छा, अब आप मैंने हाफ फेस किए, हाफ फेस मैंने नहीं किया। अब आपको डिफरेंस किस तरह फील होगा, आपको डिफरेंस इस तरह फील होगा कि आप ये वाली जगह देखें, मेरी एकदम से फ्लैट है बिल्कुल। यहाँ से आप लोग फील करें, ये वाला जो पार्ट है मेरे फेस का वो फ्लैट है। और अगर आप इस वाले पार्ट पे, मेरे फेस के पार्ट पे गौर करेंगे तो ये थोड़ा स्वेलिंग टाइप है, यानी कि फूला फूला सा होता है स्वेलिंग। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा फ़र्क, इसका जो फ़र्क रिजल्ट है ना, फौरन मिलता है।
और इसको आप जब रेगुलर बेस पे यूज़ करेंगे तो आप बहुत से एक्नी से, रिंकल से, फाइन लाइन से और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनसे आपका, आप एजिंग से जो है ना, आपका फेस जो है वो सेफ रहेगा। ये क्योंकि ये एजिंग प्रोसेस को ये रोकता है, आपकी फाइन लाइंस को, रिंकल्स को रोकता है, आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करता है, इस तरह के आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। आप अगर आपको एक्नी का इश्यू है तो आपकी एक्नी को ये ख़त्म करता है, इसका मुसलसल इस्तेमाल, ठीक है। ओके, ऑफ कैमरा मैंने ये वाला पार्ट भी कर लिया, ये वाला पार्ट मैंने आप लोगों के सामने किया था, ये वाला पार्ट मैंने ऑफ कैमरा किया है। अब आप देखें मेरा फेस दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इसका फ़ौरन रिज़ल्ट मिलता है आपको, फर्स्ट एप्लीकेशन में इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने कहाँ से बाय किया था वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इंस्टाग्राम का एक पेज है wowsonic.pk, ये मैंने वहाँ से बाय किया था और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा इसको सेव किस तरह करना है, यूज़ करने के बाद आपने इसको वॉश करना है और वॉश करने के बाद इसको ड्राई करना है। ड्राई करके आपने इसको वापस मैं बॉक्स में रख देती हूँ क्योंकि ये मुझे बॉक्स में ही सेफ लगता है। ओके, अगर आपने इसको यूज़ करने के बाद इसी तरह रख दिया ना तो ये बहुत जल्दी टूट भी सकता है, इस क्योंकि इस पे बैक्टीरिया और डर्ट ऑयल की वजह से ना ये बहुत जल्दी टूट भी सकता है। तो यूज़ करने के बाद इसको साफ़ करना मस्ट है। गुआशा और जेट रोलर में यही फ़र्क है, मैं जेट रोलर से इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ जितना मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि जेट रोलर जो है ना वो जस्ट हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है, लेकिन गुआशा जो है हमारी फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्नी, पोर्स और हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। हमें हमारे मसल्स में जो कोई भी पेन होता है ना, जिस तरह का भी, उसको हमारे मसल्स से रिलीफ करता है। मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। जेट रोलर अपनी जगह, बट मैं इससे ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। ओके, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इससे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।